बिलीव मी, ये बटरी चीज़ी खीरे की सैंडविच मैंने सिर्फ 5 मिनट में बनाई है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बोल में ग्रेटेड खीरा ले लिया है, ये करीबन 1 खीरा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून मेयोनीज ले रही हूँ, आप इसकी जगह टमेटो सॉस भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं ऐड करूँगी बटर। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर बटर का इस्तेमाल किया है। इसको हम अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी क्रीमी और टेस्टी बनती है ये सैंडविच। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पेपर। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। यहाँ पे मैंने क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून क्रीम चीज़ का। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ या मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इससे काफ़ी टेस्ट इन्हांस होता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड या मल्टीग्रीन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी दूसरे ब्रेड के साथ। इस ब्रेड पे भी हम ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर कि इसकी एजेस हम ज़रूर अच्छे से कवर करें, अदरवाइज ये ड्राई लगेगा। इसे भी हमने कवर कर लिया है। बस अब इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए और हमारी सैंडविच जो है रेडी हो जाएगी। लग रही है ना काफ़ी टेस्टी। इसे हम टिफ़िन में या फिर ट्रेन जर्नीज में भी खा सकते हैं या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। बस ये 5 मिनट में बन जाती है। मैं इसे सर्व करती हूँ मेयोनीज के साथ, आप चाहें तो टमेटो सॉस या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका क्लोज़अप लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए कितनी चीज़ी और यमी लग रही है।